परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा, महिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा, महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। कालके से युद्ध समाप्त हुआ। बाहुबली और भल्लाद देव दोनों ने समान साहस और पराक्रम दिखाया, लेकिन बाहुबली ने जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा की, उससे प्रभावित होकर राजमाता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया। प्रजा उत्सव मनाने लगी और वो पलके बिछाकर राज्याभिषेक की राह देखने लगी। तभी राक्षस दहन उत्सव आ गया, जो 26 वर्षों में केवल एक बार आता है। राज्य की खुशहाली के लिए ये परंपरा है कि राज परिवार की बहू अग्नि प्रस्थान के लिए स्वयं चलकर जाए। राजधानी से 30 कोस दूर जंगल में महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्नि कुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करें, और जब तक संकल्प पूर्ण न हो पांव रुकने नहीं चाहिए। दूर ले जाओ। पर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जो कहा गया वो करो कटप्पा। जो आज्ञा। सैनिकों, प्रजा को यहाँ से दूर ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु।
ऐसा वो ऐसा जगमग है तारे सा, जैसे पर्वत
राजमाता शिवगामी बल्ला, तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी मां को मार देना चाहिए? मुझे तो लगा जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी उसके जन्म लेते ही तुम्हारी मां ने आधी उसे दे दी, तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राज वैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा। जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लूं। और अब जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। क्यों भला मार डालें? ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। तुम्हारी मां का पालतू कुत्ता आ गया। क्या रे कुत्ते? प्रभु। क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। उस दिन भी यही हुआ, मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? क्यों रे कुत्ते? ये बता मुझे, महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? अपाहिज हो इसलिए? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है। आज्ञा प्रभु। क्यों रे कुत्ते, राजघराने को अब सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें, जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे उसकी बुद्धि अपाहिज नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। यही है पाटलिपुत्र की राजकुमारी वारुणी। कहते हैं पूरे भारत में ऐसी अपूर्व सुंदरी कोई और नहीं। आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं, कोई और ढूंढो। जी महारानी। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधु सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। माँ आपने बुलाया? हाँ बाहू, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। जी माँ। राजमाता, राज्याभिषेक की घड़ी निकट आ रही है, ये समय देशाटन के लिए शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए। भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर क्यों घुमाया जाता है मंत्रीवर? ताकि प्रजा के सुख दुख भगवान स्वयं देख सके। बाहू, जब होने वाले महाराज राजमहल से बाहर निकलते हैं
तभी उनको प्रजा के सुख दुख का पता चलता है। जी माँ। कटप्पा को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा। ये बूढ़े बाबा क्यों माँ, बचपन से वही कहानियां सुना सुना कर मेरा सर खा गए। एक बार और सहन कर लो, जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। उम्र में भी तुम इतने मनमौजी हो मामा। अरे अभी तुमने देखा ही क्या है, उन दिनों मैं तलवार चलाऊं या लाठी हमारे महल की लड़कियों की पलक तक नहीं चपकती थी। अब तुम रहने भी दो मामा। पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल समाधि बना देते हैं। क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए ये जोशीले हाथी सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। प्राणहिता नदी के तट पर तुम्हारे लिए बनवाया जा रहा है वसंत महल, पसंद आया भल्ला? पचास योजन की दूरी तक लक्ष्य को भेद देने वाला ये धनुष तुम्हारे लिए। माँ, छोटे भाई को सिंहासन देने के बदले में मुझे ये भेंट दी जा रही है। सिंहासन ना मिलने का शोक मनाए, इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा। राजमाता शिवगामी देवी का निर्णय सर आंखों पर, उपहार देकर उसका अपमान ना करें। धन्यवाद बेटी। जी आप। ओहो, क्या धौंस है वीर बहादुर की। कुछ लुटेरे और उनको पकड़ने के लिए भेष बदल कर आए हुए सैनिक, अपना कुछ काम नहीं। बहादुर कहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रभु, दो लोग उस तरफ जाओ, दो लोग इस तरफ। जो आ गया प्रभु, और दस लोग यहीं पर रुको। हाँ हाँ।
ये कैसी हरकत है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाहू? तुमने उस पेड़ को काट डाला? अरे मुझसे जरा सी चूक होती तो मेरा सर फट जाता। जान चली जाती मेरी। ऐसा लगता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मामा। कुछ भी मतलब? मार डालोगे? मुझे भी मार डालोगे? विश्वासघाती, मैंने तुम्हारे लिए बचपन से क्या क्या नहीं किया। हमें मिलाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा मामा। माधव जी, राजकुमारी, उनका ठिकाना पता करो और सारा लूटा हुआ धन वापस ले आओ। जो आज्ञा। सबको बंदी बना लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक से बांधो सबको। घोड़े जैसे हो तुम लोग, औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? क्षमा करे राजकुमारी, मेरा भांजा मंदबुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या, अपने ही घर वालों ने? जी राजकुमारी, आप तो दयालु हैं, यदि आप इसे कुछ सिखा देंगी तो हम जीवन भर आपका उपकार मानेंगे। ठीक है, कदकाठी से तो अच्छा है, तलवार चलाना सीख जाए द्वारपाल तो बन ही सकता है। वो हम सिखाएंगे। जय हो, जय हो आपकी। की तैयारी करनी होगी। महारानी, वो आप महिलाओं का त्योहार है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राजकुमारी, इस राज्य में आपसे बड़ा धनुर्धारी और कोई नहीं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं महामंत्री। दो तीरों से एक लक्ष्य भेदना संभव नहीं है। महामंत्री, मेरी बहन के लिए कुछ भी संभव है, एक बार और प्रयत्न करो देवसेना। तुम रुको, जवान बहन का ब्याह करवाने की जगह उसे लड़कों की तरह ये सब सिखा रहे हो। सच कहा आपने महारानी। आए हुए रिश्तों में से किसी को पसंद करोगी या मेरे भाई कुमार वर्मा से तुम्हारा ब्याह करवा दूं? ए बुद्धू, तुम्हें हमारे हथियार दिखाते हैं, आओ। ये गदा है, तुमसे नहीं उठेगी। ये भाला है, तुमसे नहीं चलेगा। यह है तलवार, इसे चला के देखते हैं, चलो। ये बताओ तुम्हें क्या आता है? बहुत कुछ आता है प्रभु, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, बंदर बाट, उसके बाद वो तो फिर चिब्बी खेलना भी आता होगा। दूर से देखा प्रभु, लड़के अपने साथ खेलने नहीं देती। तलवार कैसे चलाते मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीखो। तो ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ और ऐसे मारो। ओहो, मारो, देखते हैं। देखिए तलवार कैसे पकड़ी है। भांजे, ये तुझसे नहीं होगा। ए बुद्धू, हम फिर से दिखाते हैं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठाना है। वाह वाह वाह, क्या मारा है प्रभु? मैंने? हाँ आपने, आप नहीं तो कौन प्रभु? मैंने। बिजली की तरह तेज, शाबाश, हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर, पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु तुम हमें पसंद आए, धन्यवाद। हम तुम्हें भी तलवार चलाना सिखाएं। ऐसे राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट, बता दो कि तुम कौन हो, वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे, इतना नाटक करने की क्या जरूरत।
60 बरस के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है, कैसे समझाऊं इसे? देखो अनाप शनाप मत बको बाहू, मुझे समझाओ कि प्रेम क्या है, अगर ना समझ पाऊं तब कहना। इस शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षियों की यह जोड़ी देखो, देखो इस पूनम के चांद को, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से बूंद बूंद करके फिसल रही हैं, और कैसे ये दोनों इन किरणों का रसपान करके एक दूसरे में डूबे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मामा? छह, इस धरती पर इतने साल बिता दिए किस लिए, कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं, आह स्वर्ग। क्या हुआ तुझे? सुबह तो ठीक चल रही थी। प्रभु, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। कुमार, सुबह मैं तुम्हारा कारनामा नहीं देख पाई, अभी दिखा दो ना। माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा? वो उधर उधर। अरे किसी ने खंबे के पीछे छुपा दिया। लेकर आ गई? कुंदा तो ठीक है पर तलवार कहीं रख दी। दूर हटो। मारो कुमार। हाँ, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। आप जैसे वीरों के वीर जो कार्य सुबह करते हैं वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप तो ये जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानते? बस भूल गए थे, समय पर हमें याद दिला दिया। सवेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार। क्यों? जंगली सुअर खेतों को। मुझे सुअर से घिन आती है। सुअर नहीं, जंगली सुअर। उससे भी। किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे भी लेकर आओ। बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है, इसे शिकार पर क्यों जी? रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा? साथ आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये किस काम के लायक है। लेकर आओ उसे। मार दिया। नील रंग का बांध कुमार वर्मा का है। कुमार वर्मा ने सुअर को मार गिराया। हो फिर से कुमार वर्मा। Thank you.
से। अरे वाह, बढ़िया निशान है। आहा, वर्मा बाणम राम बाणम। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। अद्भुत, कुमार वर्मा का साहस असामान्य है। सारे जंगली सुवरों को अकेले ही मार गिराया। सुवर वीर कुमार वर्मा की जय। सुवर वीर कुमार। प्रशंसा बंद करो। जी प्रभु। देवसेना, इन बाणों को अपने संग्रहालय में रखवा दो, आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे। तुम्हें देखते ही मुझे संदेह हो गया था, तुम्हारी नौटंकी और इसकी चापलूसी। मैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या नाम बताया? शिवू। शिवू पकड़ लिया। ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है, एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी। मामा कुछ कह रही है। आप ये क्या कह रही हैं? ये तो एक नादान बालक है। वो भी देख लेंगे। बहादुर को बुलाया जाए। क्या है राजकुमारी जी, जो दातुन पकड़ना नहीं जानता, ऐसे बच्चे के हाथ में आपने भाला पकड़ा दिया? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो बैल, एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ बैल बुद्धि, बच्चा मर जाएगा। अरे रे रे, मेरे भांजे को मार डाला, अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे इसके। अरे घोर अन्याय हो गया, हाथ टूट गया, नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अब इससे कौन सी लड़की ब्याह करेगी? कौन इसे अपने हृदय में स्थान देगी? लेकिन मैं है इतने विशाल हृदय वाली राजकुमारी कोई। रथ ले आओ। मैं क्या करूं भोले भोले बम भोले, जिस देवी ने मदद का वचन दिया उसी ने हाथ तोड़े भोले। एक बार उठकर बैठो तो। अरे बुद्धू, वैजी ने क्या कहा सुना नहीं? चलो उठो, उठ। अरे ठीक से रखो, ये दवाई पिला देना इसे। स्वामी, जितनी अच्छी नींद लेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। अरे रे रे, टूटा हुआ हाथ लेके कोई कैसे सोएगा? भोले बम भोले। मामा क्या कहा? लोरी लोरी सुननी है अब तुम्हें? कौन सुनाएगा अब लोरी इसे? कौन सुनाएगा? सुनिए, आप गाएंगे लोरी? आपको नहीं आती? नहीं। आप गा लेंगी? मुझे नहीं आती। नहीं आती, क्या करूं? राजकुमारी आप गाएंगी? अरे रे, भांजे का हाथ टूट गया, इस दुख में मैं क्या क्या पूछे जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। भोले बम भोले, अब क्या करूंगा, खुद ही गाऊंगा। लोरी जो गाए वो मैया कहा, जो प्यार जताए वो बाबा कहा। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। भोले भोले, लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। राजकुमारी अभी तक इसी वस्त्र में है, कृष्ण पूजा का समय हो गया है, चलिए। बंसी बजैया नंदलाल।
कन्हैया मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुहि मुहि ऐसे नहीं छेड़ो सावरे सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे जाके यशोदा कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंदबुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। नाटक की क्या जरूरत है, वो तो है ही मंदबुद्धि। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है? लगता है युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है। ये उनका चित्र है प्रभु। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी। ये कैसे संभव होगा? माँ वचन दे तो संभव है। छोटे भाई की प्रेमिका तुम्हें मिल जाए, ऐसा वचन क्यों देगी तुम्हारी माँ? क्योंकि वो जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई उससे प्रेम करता है। इसलिए पहली चाल मैं चलूंगा। इसलिए भला माँ, सुबह तुम जलपान के लिए नहीं आए, मंत्री दल से बैठक के लिए भी नहीं, क्या हुआ भला? कुछ नहीं माँ, आने का मन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है राजमाता। क्या हुआ? वास्तु दोषम। वास्तु दोषम? हाँ राजमाता, उत्तर दिशा में नए ग्रह का प्रवेश हुआ है। आप कहें तो दिखाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं कह रही हूं ना,
दिखाइए। सुंदरता के सौंदर्य भी शर्म आ जाए। कौन है? ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। जब से एक चित्रकार के पास युवराज ने ये चित्र देखा, उत्तर में ग्रहों की दशा ही पलट गई। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भल्ला? हाँ माँ, मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज, आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा, देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी। भला, देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूं। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में एक वर्ष लग जाए, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाएं। जी राजपाल। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाएं। जो आज्ञा। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। जी। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ मां हिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं। रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। जब तक तुम लौटोगे, एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। आहा। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी, हमसे संबंध जोड़ने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट प्रार्थना संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर आ पड़ी। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए, आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी हैं या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमात्या! इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या, हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। देवसेना! वाह राजकुमारी! महाराज, आप ही को समझाइए। ये उसका निर्णय है महामंत्री, अपना उत्तर लिखकर भेज दो देवसेना। वीरिन जी, माहिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती है कि मैं उसे महान समझ लूं? लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए गहनों के साथ मैं अपनी तलवार भी भेज रही हूँ। ये गहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। उनसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर ले और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाए। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ देवसेना। महामंत्री! राजमाता! हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करे। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंड ने युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। देवसेना को बंदी बनाया जाए, राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए।
जी राजमाता। बड़ा प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया, इसका अर्थ यह है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? प्रभु, मुझे ऐसे सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है कि राजकुमारी उस मंदबुद्धि के लिए प्रेम गीत गा रही है। वो मंदबुद्धि? हाँ प्रभु, उसे हाथी से कुचलवा दूंगा। बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार, पहले क्या सुना? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी माँ अच्छे से जानती है। लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं। ये भी अच्छा समाचार है। कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। मामा, हथियार। ए मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहां जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस, आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो, क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा, मैं जैसा कह रहा हूँ पैसे। मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास, हट जाओ। मुझे हाथ लगा रहे हो? ये पिंडारी है, सबको सावधान करो। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय।
राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा रुकिए, आप हैं कौन? अब ये बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक दिन का भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है स्वामी। ऊपर जाओ।
बंबों के नीचे मारो। साधका, जान ही नहीं पाया आप कौन है। न जाने क्या क्या बोल दिया, मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था, आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप, कहां से आए हैं? हम कौन हैं ये जाने दीजिए महाराज, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या, कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आप गलत समझ रही हैं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब महिष्मति के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार, जिससे उस काल के संहारक वीरों के भी अमरेंद्र बाहुबली संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था? जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी माँ से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना, वो जो भी करती है उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ।
मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। हमारे राज्य का उजाला आपको सौंप रहे हैं युवराज। निश्चिंत रहें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हुआ तो नहीं राजकुमारी? आपका ध्यान कहीं और है।
छोड़ लो ना, है साथ दोनों को बहना, बस तेरी है देवसेना। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी, राजमाता बहू की तरह नहीं बेटी की तरह आपकी देखभाल करेंगी। माहिष्मती, मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अपने होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं माहिष्मती स्वयं देख ले। देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, बाहु, मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए, मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। आज्ञा राजमाता। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो। यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है।
एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई मां। शिवगामी से भूल हुई? तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है? अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है? तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना, क्या है भूल? देख लिया शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। तो तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, यानी तुम्हारी माँ अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी माँ के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। रहने दीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ महिष्मती साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देव सेना चाहिए? सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, ये आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। यह मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। पूरब में उदयगिरी पर्वत से पश्चिम में मालव समुद्र द्वीप तक, उत्तर में कुंतल और सामंत राज्य से, दक्षिण में कर्तरी सूरणी कालकेय महारण्य तक है सीमाएं महिष्मती की, जिसके होने वाले सम्राट श्री भल्लाल देव के राज्याभिषेक का शुभारंभ हो। साम्राज्यम् अस्माकम् अजेयम्, आसूय चन्द्रताया बद्धताम् अभिबद्धताम्। माहिष्मती अश्वदलम् अभिमुखम्, महाराज वंदनम्। चक्रवर्ती आगमनम्, गजगणम् विनम्र कुम्भग्न्यासम्। खड्गश्रेणी, शूलश्रेणी, आयुध गौरव समर्पणम्। दरिकाल कट्टप शिक्षिता विशिष्ट सेना समूहम्, महाराज चरण वंदनम्। उपविशः,
बिज्जल देव शिवगामी की संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है। मैं अखंड माहिष्मति साम्राज्य का राजा धीराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, बाहुबली चाहिए। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष। निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया और तुमने मुझे ठुकरा कर बाहुबली को क्यों अपना लिया? भल्ला, अब तो तुम महाराज हो, बाहुबली को मरवा दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? मरवा दो। ये किसी को मारने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने का अधिकार अब तक राजमाता के पास है। इस रीत को बदलना होगा। शिवगामी को बदलना?
सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता भल्ला। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। तुमने एक सांप को दूध पिलाया शिवगामी, जो अब अपने फन फैला रहा है। एक न एक दिन वो जरूर डस लेगा। तुमने आज तक मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। मेरे कारण आप दोनों के बीच दरार आ गई, मुझे इसका बहुत दुख है। माँ का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाल। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाल। मैया की गोदी में है आने वाला वो वहां ले जाओ। माँ नहीं आई इसलिए आप। माँ जरूर आएगी, मैं जानता हूं। कटप्पा जी कहिए। तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए? मैं वो गुलाम हूं जिसे आपको आशीर्वाद देने का भी अधिकार नहीं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? तुम जो दे सकते हो वही मांगूंगी। दोगे? मांग लीजिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, दीर्घ आयु के लिए। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? इस गुलाम को साथ रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। मैं उसे गोद में नहीं उठाऊंगा, अपने सर पे बिठाऊंगा। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। मां, तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मति का उत्तराधिकारी है, ध्यान रहे। तुम उसे मां कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहां सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? जब हाथ में बाहुबली का दिया अस्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा? श्री 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 भल्लाल देव महाराज पधार रहे हैं, सावधान। तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज? कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूं। जो आज्ञा महाराज। आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है।
सब बहाने हैं राजमाता। एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है, ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है, ये सब देखकर भी आप चुप? सेना, यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है, आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगू वो देंगे आप? आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है, यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं समस्त प्रजा की कामना है, और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है, अपना धर्म निभाएं। माँ, महाराज के आने का समय हुआ है, चाहे कोई भी हो बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए, कोई बात नहीं आप जाइए। आओ आओ जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। इसके बाद तुम इसे बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई, और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ, ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी, सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है, तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है। माँ, चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सब के लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था, मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला।
सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए, निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को, या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यह दुस्साहस किया तुमने। मां, चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, राजमाता, इस महा अपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक ओर आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है अनहोनी हर आंख हुई रम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय रोतक क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं, उत्सव की तैयारी करो।
अगर ये जीवित रहा तो जहाँ भी रहेगा महाराज बन के रहेगा। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी, कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? वो सारी प्रजा को उकसा रहा है कि कोई कष्ट हो तो मेरे पास आओ। तुम्हें महाराज की जरूरत नहीं है। कोई तो चाल चल रहा है, वो मुझे डर लग रहा है। हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी, इस समय तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्यों आया है? क्षमा करें प्रभु, आज वो बच निकला। कल तक उसका सिर मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में होगा। जाओ। भल्ला प्रभु। भल्ला किसका सर? और किसका, बाहुबली का। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि हत्या करवाओगे? उसकी पत्नी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी मरवा दूंगा। भला अगर आप बीच में आए तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। सुन लिया, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। वो अगर मन में कुछ ठान ले तो उसे करके ही मानेगा। ये बाहुबली को तुरंत बताना चाहिए। वो मानेगा? बाहुबली कपट नहीं जानता। वो मानेगा नहीं कि उसका भाई इतना नीच है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो तुम्हारे हाथ में है कुमार। मेरे हाथ में? भल्लाल देव की हत्या करनी होगी। मना मत करना कुमार वर्मा, बाहुबली के लिए, देवसेना के लिए, उसके कोख में पल रहे बच्चे के लिए मेरे बेटे भल्लाल देव को मार दो। ठीक। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है।
समझ में नहीं आ रहा है कुमार वर्मा, यज्ञ हो रहा है। बाहुबली का मृत्युकांड शिवगामी के हाथों लिखवाने का महायज्ञ। तुम तो एक छोटी सी आहुति हो। देखो शिवगामी, बाहुबली ने अपने प्रिय बंधु और विश्वास पात्र कुमार वर्मा को अपनी कटार देकर राजमहल के सारे गुप्त मार्ग बताकर आधी रात को महाराज का वध करने यहाँ भेजा। ये कुमार वर्मा और इसके लोगों ने हमारे अंगरक्षकों को मार डाला। महाराज, महाराज को भी लहूलुहान कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या सोचना? बाहुबली को पता होगा। अब क्या सोच रही हो शिवगामी? राजमाता होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओ, अपने ममता से लाचार मत हो। भल्लाल देव सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही नहीं, इस देश का महाराज भी है। और जो महाराज को मारना चाहे उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। बाहुबली को मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी, मंत्रिमंडल विभाजित हो जाएगा, अंतर युद्ध, ये राज्य के लिए उचित नहीं है। तो क्या तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली की मृत्यु तय है। उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। इतिहास में उसे छोटे भाई का हत्यारा ना लिखा जाए। तो क्या क्या करना चाहिए? कटप्पा, तुम्हारे पूर्वजों ने सौगंध ली थी कि वो माहिष्मति सिंहासन के सेवक बन के रहेंगे और वो महाराज के हर आदेश का बिना प्रश्न किए पालन करेंगे। क्या तुम उस सौगंध पर अटल हो? निसंदेह, आज्ञा महाराज। बाहुबली को मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? पर क्यों? जो कहा गया वो करो। राजमाता, मां, क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? मैं आपके पैर पड़ता हूं। महाराज से कहिए अपने शब्द वापस ले ले, संसार इधर का उधर हो जाए। बाहुबली से भूल नहीं हो सकती, वो आपकी गोद में बड़ा हुआ है, आपने उसे दूध पिलाया है, आपके संस्कार उसकी नसों में दौड़ रहे हैं। बाहुबली को मारना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। अपनी ये सौगंध तोड़ने के लिए आप मेरा सर काट दीजिए। तुम मारोगे उसे या चाहते हो कि मैं मारूं? नहीं मां, यह पाप आपके हाथों से नहीं हो सकता। मैं ही मारूंगा उसे, मैं ही मारूंगा। भला इस कुत्ते पे भरोसा कर सकते हैं? प्रभु बहुत चिंतित हैं, सब अच्छा ही होगा। कटप्पा को राजद्रोह के अपराध में दंड दिया जा रहा है। तुमने देखा क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मामा संकट में है देवसेना। मुझे जाना होगा। Oh.
हमारे बच्चे को गोद में लेने का वचन दिया था, उन्हें सुरक्षित ले आइए। छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। इस गुलाम के प्राणों का मूल्य तुमसे अधिक नहीं है, मुझे यही छोड़कर चले जाओ, चले जाओ बाहु। बाहु देखो मैं कह रहा हूं, मुझे यही छोड़ दो, मेरे लिए तुम मेरी बात को समझो, मुझे मरने दो बाहू। मैं कौन सा तुम्हें बचाना चाहता हूं बुढ़ो। तुमने मेरी पत्नी को वचन दिया कि तुम मेरे बेटे को गोद में खिलाओगे। मेरी पत्नी ने मुझसे वचन लिया कि मैं तुम्हें सुरक्षित ले आऊं। मामा अब थोड़ी देर चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, चले जाओ यहां से, मुझे छोड़कर चले जाओ। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। Thank you.
देश, तुम्हें मारने का आदेश था महाराज का। बहु, 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 मुझे क्षमा कर दो बहु। मां का ध्यान रखना। तुझ पर बेकार ही शक किया कटप्पा, तू मेरा ही कुत्ता है। बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण की क्या करूंगा। राज माता शिवकामी देवी को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं। राज माता, मूर्ख माता, तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया और तू उसी की शपथ ले रहा था। ले! पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे मां? कटप्पा, गलत किया तुमने शिवकामी, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था कि अपने ही बेटे का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देख पाई। राजमाता, मूर्ख माता, तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी वो अपनी पत्नी और आने वाली संतान के बारे में नहीं सोच रहा था। आप जानती उसने क्या कहा? मां का ध्यान रखना। ओ मेरे
जब तेरा रखवाला संग रहे जब भाई जग बिसरा के सपने सुहाने बुन ले बाहुबली का स्थान देकर जिन हाथों से अपनी संतान को आशीर्वाद देने को कहा उन्हीं हाथों ने आज तुमसे तुम्हारे सुहाग को छीन लिया। इन नन्ही किलकारियों को मुसल दो शिवगामी, वरना यही किलकारियां कल प्रश्न उठाएंगी, उत्तर मांगेंगी, विद्रोह बनकर गरजेंगी। इस बच्चे की मृत्यु से माहिष्मति शत्रु मुक्त हो जाएगी। मसल डालो। बाहुबली की महानता को समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई और जिस बेटे को अपना दूध पिलाया उसे मारकर मैं तुम्हारे चरणों में आ गिरी। अब उसके पास जाकर उसके चरण अपने आंसुओं से धोने के सिवा और क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला इसलिए प्रजा भेड़ बकरियों की तरह शोर मचा रही है। आपसे सुनेंगे तभी मानेंगे। जाइए घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभाल लूंगा। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली कटप्पा, अभी इसी क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए, दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। जो आदेश माँ। जिस बाहुबली को आपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया उसी को द्रोही मानकर मरवा दिया, फिर मैं तो इतना नीच हूँ, आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे? क्या मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा? सैनिको, शिवगामी और उस बच्चे को जान से मार दो। आप आइए। देवसेना, देवसेना, उठो बेटी, मेरी बात सुनो। माँ, आप मेरे बेटे को बचा लेंगे तो मैं समझूंगी मेरा पति जीवित है। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा,
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, माहिष्मती तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी, आओगे ना? उन्हें पकड़ नहीं पाए। राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूं। हम सब ने यह मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी मां ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। तुम्हारी जननी और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए महेंद्र। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा, बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार हथौड़ा कुल्हाड़ी आरी दराती भाला कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। पर 30,000 सैनिक तैनात है महाराज, हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं है। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल दो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय महिष्मते। ये स्वर्ण प्रतिमा, महिष्मति का सिंहासन, ये राज मुकुट, इस राज्य पर एक अधिकार। अब तक मैं सोचता रहा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है, नहीं, लोहे से बनी ये पेड़ियां देवसेना को नरक यातना देने वाली, ये पेड़ियां अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही है। पिताजी, मुझे देवसेना चाहिए। जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा विद्रोह कर चुका है महाराज। कटप्पा, कुछ
कुत्ते जैसा वफादार कटप्पा विद्रोह क्यों कर रहा है? हजार परिवारों की चीख पुकार मंगल वाद्य बनकर गूंज उठेगी और इस तरह तुम्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हतप्रवीरा! Thank you.
वो तुम्हारे साथ केवल 9 महीने रहा, वो भी तुम्हारी कोख में, और तुम 25 साल तक मेरे साथ रही। तो फिर उसके आते ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो देवसेना? कैसे सहन कर लूं कि मेरी माँ उसी कैद में है? चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे जाने दो। इतने वर्षों तक तुम्हारी माँ ने प्रतीक्षा की तुम्हारी मृत्यु के लिए, उसकी मृत्यु के लिए, जो घोर अंधेरे में उजाला भर दे ऐसी मेधा शक्ति वाले अमरेंद्र के सुपुत्र हो तुम। अपने पिता की तरह सोचो, बाहुबली की तरह सोचो। Thank you.
नीचे करने वाले अधिकारी का ढूंढो उन्हें। क्या कर रहे हो कटप्पा? कितनी पीढ़ियों तक तुम्हारे दादा परदादा महाराज के विश्वास पात्र रहे, कितनी महान कीर्ति कमाई उन्होंने, ऐसे यश और कीर्ति का सर्वनाश करके तुम अपना वचन तोड़ना चाहते हो? नहीं कटप्पा, अपनी भूल को सुधारो। बाहुबली को जैसे मार दिया था, उसके बेटे को भी मार दो। जाओ कटप्पा, मार दो। आज से 25 वर्ष पहले राजमाता ने महेंद्र बाहुबली को हमारा महाराज घोषित किया था। उन्हें मरा हुआ मान के इतने वर्षों तक मैं झूठ का पहरेदार बना रहा। आज हमारा सच लौट आया है। कटप्पा कभी वचन नहीं तोड़ता प्रभु। भल्लाल की आधी से ज्यादा सेना महल के अंदर ही होगी महेंद्र। हमें अपनी सेना को अंदर लाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। हथौड़ा चाहिए दादा। तैयार करो अवंतिका, दंड ले आओ दादा। पांव आगे बढ़ाओ मां, इससे पहले कि तुम परमेश्वर का तीसरा फेरा खत्म करो, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए इस चिता पर तैयार रखूंगा। जाओ देवसेना, जब तक तुम लौटोगी मैं तुम्हारे बेटे का सर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। Yeah.
अग्नि प्रस्थान। जो इसे पूरा कर ले वो पराजित नहीं हो सकता प्रभु, इसे भंग करवा दीजिए। देव सेना के पाव रुकने चाहिए। मंदिर के फेरे पूरे करने से पहले उस पुल को आग लगा दो। मरा हुआ समझा और तुम लौट आए, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस बात का दुख था कि मैं उसे अपने हाथों से मार नहीं पाया। तुम वही रूप लेकर वापस आए हो। मेरी ये अधूरी इच्छा तुम पूरी कर रहे हो और मेरे हाथों से तुम्हारी छाती चीरने का मौका दिया तुमने। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? महेंद्र बाहुबली, we'll be right back।
कटप्पा। भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मेरा ये पहला आदेश है, इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय करे तो उसका सर कटकर पाताल में जा गिरेगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। जब मानव संकल्पों के साथ है।